वेलकम टू माई ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं विंटर वंडरलैंड लंदन में, और उसके बाद हम शायद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी जाए फॉर द लाइटनिंग। अभी हम लोग हैं फिंसबरी पार्क स्टेशन में। अभी हम लोग जाएंगे अंडरग्राउंड से, शायद से हाइट अंडरग्राउंड स्टेशन तक, फिर वहाँ से हाइट पार्क, लाइक स्टेशन का नाम शायद से हाइट है, जो भी है, वहाँ से फिर हम हाइट पार्क जाएंगे जहाँ पर विंटर वंडरलैंड हो रहा है। अभी हम हाइट पार्क कॉर्नर स्टेशन से बाहर आए हैं और यहाँ से हम अभी विंटर वंडरलैंड जा रहे हैं। दिस इज द एंट्री ऑफ विंटर वंडरलैंड। So this is the entry. Oh, wow. And we have to show our tickets, then we will get the entry for the Winter Wonderland. Due to COVID, we have to book tickets in advance. So we have booked our time slot from 10 to 1. Like, you can take an entry at any time within 10 to 1, and you can stay here as long as you want, but you need to book the tickets in advance. So abhi hum entry lenge andar ticket dikhane ke baad. Hum log ka 6 log ka group aaya hai, 3 family, husband and wife with our kids. Oi to aage mil gaya mujhe khane ka shot। यहाँ पर आइस स्केटिंग होता है, मुझे तो जाने का बहुत मन है बट मुझे स्केटिंग आता नहीं है। सो ठीक है, कभी स्केटिंग सीख के आएंगे, यहाँ पर आइस स्केटिंग करते लग रहा है यार। चलो 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 घूम जाएंगे। जैसा कि मैंने ये वाला वीडियो लास्ट ईयर लिया था नवंबर 2021 पे, और उस साल मैं ये वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी बिकॉज दिसंबर में हमें कोविड हो गया था एंड जनवरी लाइक में बहुत वीक थी। उसके बाद जब हमारे लाइफ में सब शॉर्ट होने लगा तो हम फिर इंडिया चले गए, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ये वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने इस साल विंटर वंडरलैंड स्टार्ट होने के पहले ये वाला वीडियो एडिट करके अपलोड किया है। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो एडिट करने में, और अगर कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाए या ज़्यादा व्यूज़ हो जाए तो हमें भी बहुत खुशी होती है। लगता है।
अगर आप लोग लंदन में हैं और अगर आप विंटर वंडरलैंड नहीं गए तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग अ वेरी बिग इवेंट ऑफ लंदन. इट्स वन ऑफ द बेस्ट इवेंट विच आई हैव सीन एज फार. और अगर आप कभी यूके आने का प्लान करते हैं वो भी विंटर्स में, तो प्लीज़ 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 विंटर वंडरलैंड का ज़रूर प्लान कीजिए. ये वाला जो आप राइड देख रहे हैं, ये वाला राइड मेरे और मधुजा के अलावा बाकी सब ने किया था हमारे ग्रुप में. एंड इस राइड के चक्कर में मेरे और अनिर्बान के साथ कांड हो गया था, बिकॉज अनिर्बान जब इस राइड पे गए थे उन्होंने घर की चाबी अपने पॉकेट पे रखे थे और इस राइड में हमारी घर की चाबी गिर गई. और इसके बारे में हमें पता चला जब हम घर पे वापस आए, हमें चाबी नहीं मिला. फिर उस रात को मैं और अनिर्बान और इवान हमारे फ्रेंड मधुजा और तुहिंदा के घर पे रुके थे. फिर नेक्स्ट डे हम हमारे एजेंट के पास जाके न्यू चाबी लिया, उसके बाद हम घर पे एंटर कर पाए थे. और आप देख सकते हो मेरे पति अनिर्बान को राइड कंप्लीट करते हुए, बेचारा उसके बालों की हालत इतनी ख़राब हो गई है. मैं फाइनली एक राइड पे चल रही हूँ, ये जाइंट व्हील पे चल रही हूँ और ये बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए मैं इस पे जा रही हूँ. बाकी में मुझे बहुत डर लगता है, तो बाकी तो मेरे लिए बना नहीं है. इसमें जा रही हूँ, वहाँ से व्यू देखेंगे. दिस इज द एंट्री फॉर द जाइंट व्हील. ये जो व्ही जाइंट व्हील है ये थोड़ा थोड़ा लंदन आई जैसे ही है, और मैं लंदन आई में चढ़ चुकी हूँ, उसका मैंने व्लॉग बनाया नहीं है. नेक्स्ट टाइम कभी चढ़ेंगे तो बनाएंगे. स्लोली चल रहा है तो हम इसमें जाएंगे, मैं एंड मेरी फ्रेंड मधुजा. हम दोनों के लिए एक ही राइड है यहाँ पर. वेलकम टू द जायंट व्हील. ये जो है ये वाले राइड पे मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मुझे पूरा व्यू दिख गया विंटर वंडरलैंड का, टॉप व्यू, और बहुत सही था, मज़ा आ गया मुझे तो. और मेरे लिए तो ये राइड ही बेस्ट था, बाकी राइड में जाती तो मैं पक्के से मेरे को चक्कर आ जाता. गाइस अगर आप विंटर वंडरलैंड जाते हो तो वहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स मिलेगा, सब अलग अलग कंट्री का फूड मिलेगा, इवन आपको वहाँ पर इंडियन फूड भी मिलेगा. सो आपको कोई टेंशन करना ही नहीं है, बस सुबह उठो और आप विंटर वंडरलैंड जाओ. बट दिस ईयर लाइक इन 2022 भी आपको विंटर वंडरलैंड के लिए पहले से टिकट्स बुक करना पड़ेगा, एंड इट्स आई गेस
10 pounds, approximately 7 to 10 pounds है एंट्री टिकट, बट इट्स वर्थ इट। और इस साल का विंटर वंडरलैंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of November 2022 टू 2nd of January 2023। वहाँ पर ऐसे जो है जो आपको दिखा रही हूँ द अल्पाइन बायर, ऐसे टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं बियर के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी क्राउड रहता है, काफ़ी लाउड म्यूज़िक है, तो आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हो जाने के लिए। हम लोग नहीं गए थे वहाँ पर, हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं, बट बाहर से देख के बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। अभी यहाँ पर हो रहा है टाइम 4:23 और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। So we are done with our snacks in this restaurant, White Horse Restaurant. Now we are going back to our home and I'm ending my this vlog here only. Bye, see you guys in next vlog. Till then take care, bye bye. Also don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos.